जहां सुपरस्टार आमिर खान एक बार में एक फिल्म करने में यकीन रखते हैं, वहीं आमिर ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया जब अचानक उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का टीजर रिलीज किया। वैसे तो इस वक्त आमिर अपनी फिल्म दंगल के प्रमोशंस में बिजी हैं, जो कि अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, पर इसी बीच उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी नई फिल्म के टीजर का लिंक भी शेयर कर दिया। आमिर ने ट्वीट किया, टू ऑल दोस हु कंप्लेन दैट आई कम वंस इन टू इयर्स। दरअसल आमिर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म को सपोर्ट करने के साथ ही वो इस फिल्म में एक कास्ट रोल में भी नजर आएंगे। सीक्रेट सुपरस्टार एक टीनेज लड़की की कहानी दिखाती है जो एक छोटे से शहर में रहती है, जो एक छोटे शहर से है पर उसका सपना है कि अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से वो दुनिया भर में खूब नाम कमाए, लेकिन उसके अब्बू इस सपने के खिलाफ हैं, इसलिए वो अपनी पहचान छिपाकर यूट्यूब पर अपने कुछ वीडियोस अपलोड करती है। खास बात ये है कि सीक्रेट सुपरस्टार में लीड रोल कर रही ज़ायरा वसीम आमिर खान की फिल्म दंगल में भी उनकी ऑन स्क्रीन डॉटर का रोल कर रही हैं। अद्वित चंदन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 4 अगस्त को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।